हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है अभी से शुरू चैनल पे। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ गूगल हिस्ट्री के बारे में। हमारे पास सभी के पास एंड्रॉयड फ़ोन होते हैं फ्रेंड। बहुत सारी चीज़ें हमारी ऐसी है जो पर्सनल हमारा डाटा होता है, पर्सनल हमारी इंफॉर्मेशन होती है जो हम हर किसी से छुपाना चाहते हैं। हम चाहते हैं भी हमारी प्राइवेसी रहे, किसी को हमारे बारे में कुछ पता नहीं चले। लेकिन गूगल हमारे बारे में हर चीज़ जानता है। कब हमारा जन्म हुआ, कब हम कहाँ मूवमेंट किया, कब कहाँ पे गए, कहाँ पे आए, A to Z फ्रेंड अपने गूगल को पता होता है। तो ये चीज़ हम कैसे चेक कर सकते हैं भी गूगल को हमारे बारे में क्या चीज़ पता है, क्या चीज़ नहीं पता है, और हम इसको कैसे रोक सकते हैं भी गूगल हमारी कोई भी हिस्ट्री या हमारी कोई भी सिक्योरिटी ना उसको पता चले। तो आज की वीडियो में ये पूरा ट्यूटोरियल आपके सामने एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बने रहो आप मेरे साथ, तो एक एक स्टेप फॉलो करना। अगर आप फ्रेंड मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मेरे चैनल पे हमेशा ही आपको रियल और जेन्युइन वीडियो मिलेगी। चलो फ्रेंड, चलता है मोबाइल की स्क्रीन पे के ऊपर। वहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ भी गूगल क्या कुछ हमारे बारे में जानता है, उसको हम कैसे बचा सकते हैं, कैसे अपनी प्राइवेसी को मेंटेन किया जा सकता है। चलो फ्रेंड, चलते हैं वीडियो में। देखिए फ्रेंड, मैं आ गया हूँ अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। तो जहाँ सबसे पहले आपने क्या करना, आपके पास किसी भी कंपनी का कॉल मोबाइल हो, आपने उसके जाना है सेटिंग पे। जैसे फ्रेंड हम सेटिंग पे चले गए, थोड़ा हम अगर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे हमें एक गूगल का ऑप्शन मिलेगा, इसको हमने क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करेंगे, जो आपकी आईडी लगी हुई है तो वो आईडी आपकी जहाँ पे दिखाई देने लग जाएगी। तो जैसे आईडी के नीचे ही जहाँ मैनेज योर गूगल अकाउंट का एक ऑप्शन रहेगा, जैसे फ्रेंड हम इसको ओपन करते हैं तो ऐसा आ जाएगा। इसके लिए नीचे गेट स्टार्टेड लिखा हुआ है, तो इस पे हम क्लिक कर देंगे। इस पे क्लिक करेंगे तो जहाँ तीसरे नंबर पे रहता है डाटा एंड हिस्ट्री प्राइवेसी, तो जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो फ्रेंड, तो जहाँ पे हमारा जो हिस्ट्री का पूरा रहता है एक्टिविटी, देखो मैंने पॉज कर रखा है भी, वेब एंड ऐप एक्टिविटी, कोई भी ऐप जो हम जो एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं वो भी हमारी पूरी एक्टिविटी को ऑब्जर्व करता है। तो जो वेब, हम गूगल से कोई भी चीज़ सर्च करते हैं या कहीं भी जाते हैं, हमारा लोकेशन ऑन होती है, ये भी पूरा रिकॉर्ड होता रहता है जो नीचे वाले ऑप्शन पे, ठीक है फ्रेंड। ये तीसरा रहता है यूट्यूब हिस्ट्री, हम यूट्यूब पे जो भी कुछ देखते हैं या सर्च करते हैं वो पूरा इसमें रिकॉर्ड होता रहता है, ठीक है फ्रेंड। इसको आपने क्या करना, रोकना कैसे है, और आगे मैं बताऊंगा भी गूगल आपके बारे में क्या कुछ जानता है। देखो मैंने तो बाकी तो पॉज किया हुआ, यूट्यूब हिस्ट्री के बारे में बता रहा हूँ। मैंने अभी तक जब से मैंने ये मोबाइल यूज कर रहा हूँ तब से मैंने क्या क्या चीज़ सर्च की है, पूरा का पूरा डाटा इसमें दिखाएगा, मैं आपको दिखाऊंगा। और बाकी आप तो वेब हिस्ट्री आपका ऑन होगा, लोकेशन आपका ऑन होगा, तो इसमें आप अगर जाके देखोगे माई एक्टिविटी में जाके जो जे वाला ऑप्शन है, तो आपको पूरा का पूरा डाटा आ जाएगा भी गूगल आपके बारे में क्या कुछ जानता है, ठीक है फ्रेंड। जैसे मैं यूट्यूब हिस्ट्री को भी पॉज करना चाहता हूँ, जैसे मैंने पॉज कर रखा है, मैं यूट्यूब हिस्ट्री पॉज करके दिखाता हूँ। जैसे हम इसको देखो ऑन है मेरी, जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद ये थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो जहाँ पे ये रहता है ये दोनों पे अनटिक कर देना है। अनटिक करेंगे, पहले पे अनटिक करेंगे तो जहाँ पॉज का एक ऑप्शन आ जाएगा, हम इसको पॉज कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद आ जाएगा ओके, और उसके बाद है इंक्लूड योर सर्च ऑन यूट्यूब, जो आपने यूट्यूब पे जो भी सर्च किया उसको भी हम अगर पॉज करना चाहते हैं तो जहाँ से हम पॉज कर देंगे, ठीक है फ्रेंड, उसके बाद ओके कर देंगे। ये देखो फ्रेंड दिखा रहा है यूट्यूब हिस्ट्री पॉज। तो अगर आप इसको चलाना चाहते हो तो जहीं से आप क्लिक करके तो आप इसको दोबारा चला सकते हो, वैसे चलाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि हमारी प्राइवेसी जहाँ मेंटेन नहीं रहती। तो इस तरीके से फ्रेंड आप, मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ भी गूगल आपके बारे में क्या कुछ जानता है, ठीक है फ्रेंड। तो चलो हमें वही गए मैनेज और गूगल अकाउंट पे गए, डाटा एंड प्राइवेसी पे गए। तो जहाँ पे अगर हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो माई एक्टिविटी में हम चले जाएंगे। माई एक्टिविटी में जाने के बाद हम कोई भी एक ब्राउजर सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे हम ये ब्राउजर सेलेक्ट कर लिया, जहाँ पे ये हमारी एक्टिविटी जो भी हमने की है पूरी की पूरी यहाँ पे शो हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड। तो जहाँ पे इसको वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है, टू सी योर फुल हिस्ट्री वेरीफाई दैट इट इज यू, ये बोल रहा है भी आप वेरीफाई करो भी जो हिस्ट्री आप चेक कर रहे हो ये भी आप ही हो, कहीं कोई दूसरा तो नहीं आपकी हिस्ट्री चेक कर रहा। तो
जहां पे मैंने वेरीफाई कर दी है, जहां पे कुछ ऑप्शन मांगेगा, तो जहां पे ये पासवर्ड पूछ रहा है, अभी आपका ईमेल का पासवर्ड बताओ। जैसे फ्रेंड मैं इसका पासवर्ड डाल देता हूँ, आपको भी मेरी हिस्ट्री क्या कुछ ये डालता है, क्योंकि मैंने पर्पस हिस्ट्री और जो लोकेशन वाला उसको तो पहले से ऑफ कर रखा था, पॉज कर रखा था। अभी सिर्फ यूट्यूब की हिस्ट्री है, जो 10 अक्टूबर की है, मैंने कौन कौन सी वीडियो देखी है, और उसके बाद 17 सितंबर की, मतलब A to Z जो जो चीज़ मैंने सर्च की है, जहाँ पे पूरा का पूरा जब से मैंने फ़ोन लिया पूरा का पूरा दिखा देगा। ऐसे फ्रेंड आपने जो गूगल पे सर्च किया होगा, आपकी लोकेशन कहाँ कहाँ की, आपने किस टाइम कहाँ पे गए, किस टाइम कहाँ पे गए, A to Z पूरा ये दिखा देगा। तो इस तरीके से फ्रेंड आप अपनी जो भी वेब हिस्ट्री या जो लोकेशन है और यूट्यूब हिस्ट्री है, इसको ऑफ करके रखो, ताकि गूगल आपके बारे में कुछ भी जान ना सके। गूगल तो क्या, कई बार कुछ हम ऐसी दिक्कत में फंस जाते हैं, तो जो पुलिस वाले भी होते हैं वो भी हमारे पूरा डाटा जहाँ से चेक कर लेते हैं कि हमने कहाँ पे क्या क्या काम किया है। उम्मीद करना फ्रेंड आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फ्रेंड।